कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने लुक्स चेंज करके अब राहुल गांधी ब्रिटेन में संबोधन करते हुए दिखे। दरअसल उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। दरअसल इस बात की पुष्टि तब हुई जब राहुल गांधी को चेकिंग एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी। उसके बाद राहुल गांधी ने भारत का लोकतंत्र खतरे में बताते हुए कहा कि जैसे भारत में भी कई नेताओं ने दावा किया था कि उनके मोबाइल फोन में पेगासस था, ठीक वैसे ही अब मेरे फोन में भी पेगासस है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मुझे एजेंसी के अधिकारियों ने सलाह दी थी कि फोन पर कोई भी बात संभल कर करें, क्योंकि आपके फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। बस इस पर ही उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, मुझ पर तो ऐसे मामले में केस चल रहे हैं जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब पेगासस को लेकर किसी ने खतरा जताया हो। हाल ही में महाराष्ट्र में चल रही शिंदे और उद्धव गुट की महाभारत के बीच में उद्धव गुट के समर्थक संजय राउत ने भी इसको लेकर अपनी दलील दी थी। आप जानते हैं कि आखिर ये पेगासस है क्या? दरअसल पेगासस एक तरह का स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर। इसे आपके डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप में बिना आपकी जानकारी के इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि आपकी जासूसी की जा सके। इसे आपकी प्राइवेसी खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।